आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 11 का केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 14, जो कि है क्लास 11 का केमिस्ट्री का लास्ट जो है तुम्हारा है चैप्टर नंबर 14, दैट इज एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। तो ये हमारा जो है तुमको ये लास्ट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले जितने भी चैप्टर्स हैं तुमको फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स जितने भी हैं सारे वीडियोज तुमको क्लास 11 के और 12 के जो कि जेई मेन्स नीट या तुमको जो एडवांस इन सबों का प्रिपरेशन करते हो या बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करते कर रहे हो तो उसके लिए जो सारे वीडियोज हैं क्लास 12 के भी तुमको राइट स्टडी ऐप पर अपलोड हैं, जो उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करके तुमको सारे सारे होल सिलेबस के वीडियोज तुम्हें मिल जाएंगे। और तुमको क्लास जो भी तुमको इसके अलावा राइट स्टडी ऐप कोई प्ले पर जो है तुमको कोई भी डाउट हो, जैसे भी कन्वर्सन बना रहे हो या किसी भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल में कहीं दिक्कत हो, कहीं मैथ में कहीं प्रॉब्लम हो रहा हो, तो किसी भी टॉपिक को डिस्कशन करना हो तुमको, तो पर्सनल टाइम ले करके तुम क्या कर सकते हो, हमसे बात कर सकते हो। और जो भी तुम्हें पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, जहाँ भी तुम्हें ये तुमको परेशानी है, कोई भी टॉपिक नहीं समझ में आ रहा हो, कोई क्वेश्चंस नहीं बन रहे हो, कुछ प्रॉब्लम में दिक्कत हो, तो उन सबों के लिए जैसे कन्वर्सन वगैरह तुम डील कर रहे हो, केमिस्ट्री में दिक्कत हो रहा है हाइड्रोकार्बन चैप्टर्स के, तो उन सबों के लिए तुम राइट स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकते हो। तो हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का इन्वायरमेंट के बारे में जहाँ तक है, इन्वायरमेंट हम लोग का तो जाहिर है कि इन्वायरमेंट क्या होता है, हमारा जो सराउंडिंग है, हमारे अराउंड में जो कि सराउंडिंग है हम लोग के, जिसको कि कह सकते हैं सोशल इकोनॉमिकल उसके बाद तुमको हो गया जैसे कि बायोलॉजिकल फिजिकल एंड केमिकल इंट्रैक्शन अराउंड अस। तो ये तुमको क्या कहें, हमारे आसपास जो कि हैं सोशल इकोनॉमिकल इंट्रैक्शन हो, या तुमको बायोलॉजिकली जैसे कि बैक्टीरिया वायरस या जितने और भी बायोलॉजिकल जो भी चीज़ हम लोग के आसपास रहते हों, या केमिकल हो, कोई फिजिकल चीज़ है तुमको जो हमारे आसपास होते हैं, सारे क्या बनाते हैं, हमारे इन्वायरमेंट बनाते हैं। और जाहिर है कि हमारा अब इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में जाहिर है कि हम लोग का क्या होगा, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो होगा तुमको, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री डील्स क्या करेगा, हमारे इन्वायरमेंट में जो कि केमिकल का जो कि है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री स्टडी द ऑरिजिन कॉमा ट्रांसपोर्ट कॉमा रिएक्शन ऑफ केमिकल एंड इट्स इफेक्ट इन ऑन इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो डील करता है वो किसको डील करता है, तो जो तुमको इन्वायरमेंट में जो है तुमको कोई केमिकल का प्रोडक्शन कहाँ कैसे होता है, ऑरिजिन उसका कहाँ से हुआ, एक जगह से दूसरी जगह तो वो ट्रांसपोर्ट किस प्रकार से होता है, तो इसका ऑरिजिन हो गया तुमको ट्रांसपोर्ट, और ये जो केमिकल है इसका इफेक्ट क्या हुआ तुमको, कहाँ पर पड़ रहा है, रिएक्शन कैसा कहाँ कहाँ किससे करता है, इन सबों का जो स्टडी है हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करेंगे। तो हमारा जो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में इसी को पढ़ने जा रहे हैं, जो केमिकल से रिलेटेड जो हमारा चेंजेज होगा इन्वायरमेंट में उसको, उस पर हम लोग ध्यान देंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। अब जाहिर है कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम लोग का एक आता है पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन जो है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, ये क्या हुआ तुमको, पॉल्यूशन जो हमारा होता है जो इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग ज़्यादा कंसर्न रहते हैं कि उसके पॉल्यूशन से रिलेटेड, तो पॉल्यूशन क्या हुआ कि जो कि अनडिजायरेबल थिंग्स है, जिसको कि अगर डिजायरेबल जिसकी किसी अमाउंट एक पर्टिकुलर अमाउंट किसी चीज़ की नेचुरल जो एबंडेंस है किसी चीज़ की उसकी डिजायरेबल भी है, उसकी आवश्यकता है हमारे जो है तुमको लाइफ के लिए, लेकिन उसका अगर एक्सेस प्रेजेंस हो
तो वह क्या बन जाता है, एक पॉल्यूशन हो जाता है। तो पॉल्यूशन क्या हुआ तुम्हारा, द प्रेजेंस ऑफ अनडिजायरेबल केमिकल इन आवर इन्वायरमेंट काउज पॉल्यूशन एंड द अनडिजायरेबल केमिकल आर कॉल्ड पॉल्यूटेंट्स। ये पॉल्यूटेंट कहलाएगा, ये तुमको पॉल्यूशन कहलाएगा, और जो अनडिजायरेबल केमिकल जो इन्वायरमेंट में रहेगा उसे हम लोग पॉल्यूटेंट कहते हैं। तो ये पॉल्यूटेंट तुम्हारा जो है, अब जैसे कि पॉल्यूटेंट पॉल्यूशन कहाँ कहाँ है, पॉल्यूशन का जैसे कि पॉल्यूशन हो गया तुम्हारा, इन सबों के बारे में। और जाहिर है पॉल्यूशन का अब हम लोग केमिकल एस्पेक्ट में देखेंगे इसको, कि पॉल्यूशन का जैसे है पॉल्यूटेंट तुमको है, तो उसको हम लोग पॉल्यूशन को हम लोग बांट सकते हैं। जैसे कि तुमको एक तो हो गया तुमको एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन है पॉल्यूशन का, जहाँ तक है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन में हम लोग पढ़ेंगे जैसे इसको धीरे धीरे। तो पहले तो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन पहले पार्ट में बांट लेते हैं, एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। दूसरा है तुमको स्टडी करेंगे हम लोग अगले पार्ट में वाटर पॉल्यूशन के बारे में, इस जो चैप्टर में है हम लोग किस ढंग से पढ़ाई करेंगे पॉल्यूशन के बारे में। तीसरा है तुमको सॉइल पॉल्यूशन, ये तीन पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे पहले, ये सॉइल पॉल्यूशन, ये तीन जो पॉल्यूशन है इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो जाहिर है कि पहला जो हम लोग का पार्ट होगा इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, तो पहला हम लोग स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा फिर तीसरा। चलिए, तो एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वह दो पार्ट में है, तो एक तो हो गया ट्रोपोस्फेयर और एक दूसरा हो गया तुमको ट्रोपोस्फेयर तुम्हारा हो गया एक नंबर में, इसमें हो गया ट्रोपोस्फेयर। दूसरा जो इसमें पॉल्यूशन का हम लोग स्टडी करते हैं उसमें दो पार्ट में पढ़ते हैं हम लोग, ट्रोपोस्फेयर पहला हो गया तुमको ट्रोपोस्फेयर, जैसे है तुमको ट्रोपोस्फेयर कहां से कहां तक होता है, 0 to 10 किलोमीटर फ्रॉम सी लेवल। ये तुमको सी लेवल से इतना हाइट तक क्या है हमारा ट्रोपोस्फेयर होता है। इसमें मेनली क्या क्या होने चाहिए और इसमें कौन कौन सा चीज प्रेजेंट होता है, इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है तुमको N2O2, इसके अलावा तुमको कुछ मात्रा में ओजोन भी होते हैं, और तुमको डायरेक्ट ये मेन जो है तुमको वाटर वेपर इसमें काफ़ी होते हैं, वाटर वेपर। इसमें क्लाउड भी होता है तुमको, क्लाउड यहाँ पे है तुमको रहता है, और ये तुमको कुछ डस्ट पार्टिकल्स वगैरह भी इसमें रहते हैं इसमें। तो ये सब तुम्हारा ये जो है तुमको, और ये तुमको काफ़ी तुम जो है ह्यूमिड जोन होता है, इसमें सारे जो भी जो लिविंग बींग्स होते हैं जो ह्यूमन बींग्स वगैरह हैं वो इसी में सारे जो बायोलॉजिकल जितने हैं तुमको इसी ट्रोपोस्फेयर में ही ज़्यादातर पाए जाते हैं। और इसके पॉल्यूशन के क्या क्या काउज हैं, पॉल्यूशन के किस किस प्रकार, उसको अलग क्लासिफाई कर लेंगे हम लोग। दूसरा हम लोग जो इसमें पढ़ेंगे, इसको पहले क्लासिफाई करते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर। ये दो जो एटमॉस्फेयर के जोन है जिसको हम जिसमें हम लोग इसको स्टडी करते हैं, तो ये तुमको दो पार्ट में, इसका हो गया तुमको 10 to 15 किलोमीटर तक ये रहेगा ट्रोपोस्फेयर के ऊपर फ्रॉम सी लेवल। तो इससे सी लेवल से ये 10 to 50 किलोमीटर में होगा। और इसमें जो तुम्हारा होता है इसमें जो कौन कौन चीज कंटेन होगा, N2 रहेगा, O2 रहेगा, और इसमें ओजोन रहेगा, ओजोन और सन मतलब वाटर वेपर घट जाएगा, मतलब ये जो तुम्हारा है ट्रोपोस्फेयर में ही मेन क्लाउड फॉर्मेशन सब ट्रोपोस्फेयर में होता है तुमको, और इसमें तुम वाटर वेपर कुछ रहेगा, वाटर वेपर का अमाउंट कम हो जाएगा। तो ये तुम्हारा मेनली, तो और इसमें जो मेनली हम लोग पढ़ते हैं इसमें ओजोन लेयर डिप्लीशन के बारे में पढ़ेंगे, इसका जो पॉल्यूशन के बारे में जो पढ़ेंगे हम लोग आगे। तो पहले हम लोग इसका स्टडी करेंगे ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन के बारे में।
ट्रोपोस्फेयर में तुमको 0 टू 10 किलोमीटर के रेंज में आएगा, और इसमें तुमको N2O2, इसमें CO2 वगैरह भी आता है, और N2O2 इसमें जो क्या है तुमको ट्रोपोस्फेयर में N2O2 के अलावा तुमको क्या है यहां पर CO2 भी इसमें रहेगा, तो यहां पर लिख देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड भी यहां रहेगा। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहता है इसमें स्ट्रेटोस्फेयर में, क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड हैवी गैस होता है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 44 है, N2 और एयर का 29 के आसपास होता है मॉलिक्यूलर वेट, तो ये हैवी होने के कारण ये नीचे के लेयर में ही कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह रहते हैं, ये ऊपर के लेयर में नहीं पाए जाएंगे इसमें, तो ये नीचे के लेयर में होंगे। जैसे हमारा एटमॉस्फेयर तो इससे ऊपर तक भी है, लेकिन जो पॉल्यूशन के जो मेन काउज है ये दो ही लेयर में हम लोग को मिलेंगे। तो ये तुमको दो लेयर हो गया तुम्हारा। तो अब हम लोग इसमें अभी तक हम लोग क्या देखे, इसमें इन्वायरमेंट किसको कहते हैं हम लोग इसका स्टडी देख लिए, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का क्या हमारा है इसको, जो केमिकल से रिलेटेड जो कि होगा ओरिजिन जो होगा ट्रांसपोर्ट हो या तुमको केमिकल कहीं रिएक्शन करता हो और उसे क्या इफेक्ट पड़ते हैं, इन सबों का स्टडी हम लोग इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में करते हैं। और इसके बाद था तुमको जो पॉल्यूशन हो गया तुमको, तो पॉल्यूशन के तीन पॉल्यूशन का हम लोग धीरे धीरे स्टडी करेंगे तीन टाइप में, दैट इज एटमोस्फेरिक हो गया, वाटर पॉल्यूशन और तुमको सॉइल पॉल्यूशन। तो उसमें पहले हम लोग स्टडी कर रहे हैं एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन। तो एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन में तुमको पहला नंबर क्या था एटमोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर का, ट्रोपोस्फेयर जो कि सी लेवल से 0 से 10 किलोमीटर तक के हाइट पर रहता है, जिसमें कौन कौन सा पाया जाता है N2O2 CO2 वाटर वेपर क्लाउड फॉर्मेशन, ये सब जो तुम्हारा होता है ये सब किसका है, काफी जो कि हम लोग सारे जाहिर है कि ज्यादातर बायोलॉजिकल जो जो है तुमको स्पेसीज वो इसी में रहते हैं, ह्यूमंस वगैरह इसी में लाइक करते हैं 0 to 10 किलोमीटर के रेंज में। और दूसरा है उसके ऊपर जो है तुमको इन्वायरमेंट दैट इज स्ट्रेटोस्फीयर, जिसमें कि हम लोग ओजोन लेयर होता है हमारा, तो ओजोन लेयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगले पार्ट में। तो पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन में, ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन, ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन, इसको भी तुमको दो पार्ट में बांट सकते हैं हम लोग। ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन में और एटमोस्फेरिक पॉल्यूशन का जो तुम्हारा पार्ट है दैट इज ट्रोपोस्फेरिक पॉल्यूशन, तो इसका भी दो पार्ट हो जाएगा। जैसे तुम्हारा पहला हो गया ये, इसमें तुमको तो है जैसे ट्रोपोस्फेयर का भी डिफिनेशन तुमने देख लिया, इसको भी तुमको दो पार्ट में बांटते हैं, गैस एयर पॉल्यूटेंट, जो गैसेस एयर पॉल्यूटेंट है तुमको, तो गैस जो कि एयर में प्रेजेंट होगा एक वो पॉल्यूटेंट का काम करेगा। दूसरा होता है पार्टिकुलेट मैटर, पार्टिकुलेट पॉल्यूशन, पार्टिकुलेट पॉल्यूशन जैसे कि ये गैस सॉल्यूशन में पॉल्यूशन में जैसे हो गया तुमको कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन SO2 NO2 ETC, ये सब तुमको हो गया। जैसे कि इसमें जो है तुमको जो कि पार्टिकुलेट पॉल्यूशन में आता है, जैसे तुमको डस्ट है, फ्यूम्स हो गया तुमको, स्मोक के जो धुएं के जो पार्टिकल्स होंगे, स्मोक, फॉग, स्मोग, इसको इन सबों को ETC, तो ये सब तुमको पार्टिकुलेट मैटर में आते हैं। तो पहले हम लोग इसको पढ़ें, इसी में तुमको जो है कि पहले इसमें पढ़ेंगे हम लोग जो कि गैसेस एयर पॉल्यूटेंट में आएंगे। तो पहला नंबर में गैसेस एयर पॉल्यूटेंट आएगा तुमको, एक नंबर में गैसेस एयर पॉल्यूटेंट, गैसेस एयर पॉल्यूटेंट। तो गैसेस एयर पॉल्यूटेंट में जैसे कहे तुमको ए नंबर में लिख सकते हैं ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ये जो सल्फर के जो ऑक्साइड हैं जैसे SO2 और SO3 मेनली हो ऑक्साइड जो, तो ये कहां से बनते हैं तुमको इसका जैसे है तुमको फॉसिल फ्यूल जो हम लोग यूज करते हैं कोल पेट्रोलियम, उसमें सल्फर होता है और जब उसका बर्निंग करते हैं तो सल्फर जो है तुमको बर्न होकर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके SO2 बना लेगा। तो सल्फर जो है तुमको ये तुमको क्या होता है तुमको फॉसिल फ्यूल, और जहां तक ऐसे भी सल्फाइड जहां पर के ओर का प्रोडक्शन हो रहा है, जहां सल्फाइड ओर से तुमको मेटलर्जी होता है वहां भी सल्फर डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होगा, लेकिन जनरली जो है तुमको फॉसिल फ्यूल कोल पेट्रोलियम जिसको है फॉसिल फ्यूल
कोल प्लस पेट्रोलियम, इसको फॉसिल फ्यूल हम लोग कहते हैं, पेट्रोलियम कंटेन्स सल्फर, द बर्निंग ऑफ सल्फर प्रोड्यूसेस SO2 एंड SO3, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगा। तो S प्लस O2 से बन जाएगा ये SO2 बन जाएगा ये तुमको प्रोडक्शन होगा, SO2 बन जाएगा। और तुम ये जब फॉसिल फ्यूल जलाएंगे तो वहां पर सल्फर भी बर्न होगा तो SO2 बनेगा। और ये जो SO2 है ये तुमको SO2 जो है तुमको ओजोन, अगर हो ओजोन भी तुमको रहता है ट्रोपोस्फेयर में भी कुछ ओजोन है, तो इससे तुमको SO3 बन जाता है और फिर ये ऑक्सीजन गैस में ये कन्वर्ट होता है। या तुमको SO3 जो है तुमको H2O2 है, इसके प्रेजेंस में ये H2SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये सब तुमको जो है ये तुमको ये इसके जो है केमिकल रिएक्शंस हो गए ये सल्फर डाइऑक्साइड के। तो ये तुमको अब इससे हार्मफुल इफेक्ट, ये सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ कहाँ तुमको S+O2 से फॉसिल फ्यूल को बर्निंग से SO2 तुमको यह है ऑक्सीडाइज होकर SO3 बन जाता है। और ये खास करके ये जो केमिकल सिंपली ये तो ज़्यादातर नहीं, अगर डस्ट पार्ट के यहाँ SO2+O2 है जैसे या O3, तो इसका जो SO2+O2 से भी तुमको अगर डस्ट पार्टिकल वगैरह रहेगा तो उसके प्रेजेंस में भी क्या होता है तुमको डस्ट पार्टिकल इसको कैटलाइज करता है। SO2+O2 से भी क्या हो जाता है SO2+O2, जैसे ये भी बन सकता है SO2+O2 से भी बन जाएगा तुमको ये डस्ट पार्टिकल वगैरह जहाँ या कुछ, तो SO3 ये भी बनता है। तो ये सब तुमको क्या है ये सब जो केमिकल रिएक्शन है जो कि ये तुमको सल्फर से जुड़े हुए हो गए। अब तुमको ये जो इसके जो तुम्हारा है इसका इफेक्ट क्या, हार्मफुल इफेक्ट क्या है सल्फर डाइऑक्साइड का, हार्मफुल इफेक्ट। तो जैसे कि तुमको क्या होता है ये तुमको काउज, इससे जो तुमको काउज होगा इसका जो हार्मफुल इफेक्ट में कह सकते हैं काउज होगा तुमको तुमको रेडनेस ऑफ आई, तुमको ये तुमको रेस्पिरेटरी डिजीज तुमको जैसे कि है तुमको अस्थमा है ब्रोंकाइटिस है इन सबों में होगा। तो इससे इसका होगा तुम हार्मफुल इफेक्ट में और तुमको कह सकते हो रेस्पिरेटरी डिजीज रेस्पिरेटरी डिजीज लाइक अस्थमा ब्रोंकाइटिस ETC, ये सब काउज होगा इससे। दूसरा हो सकता है टियर एंड रेडनेस ऑफ आई, इससे तुमको टीयर मतलब आंसू निकलेगा या तुमको आंख का लालपन इससे होगा SO2। तीसरा हो सकता है तुमको इसका इसका जो कि काउज होता है, थर्ड होगा तुमको इससे तुमको जो हमारा जो कि फ्लावर वगैरह है जो कि प्लांट में जो फ्लावर लगते हैं उसमें वो जनरली स्टिप हो जाते हैं और फाइनली वो नीचे गिर जाते हैं अपने पहले ही। तो स्टिफनेस एंड शेडिंग ऑफ फ्लावर, तो ये तुमको सल्फर डाइऑक्साइड के ये सब हार्मफुल इफेक्ट है। इसे बचने के लिए क्या करना होगा, इससे कि इस फॉसिल फ्यूल का बर्निंग को क्या कीजिए, कम कीजिए। फॉसिल फ्यूल के बर्निंग को कम करेंगे तो ये तुमको क्या हो सकता है, इससे हम लोग बच सकते हैं इसके हार्मफुल इफेक्ट से। तो फॉसिल फ्यूल का बर्निंग को कम करना इसका क्या हो सकता है, एक समाधान हो सकता है। तो ये तुम्हारा हो गया ऑक्साइड ऑफ सल्फर हो गया तुम्हारा। अब दूसरा गैसेस एयर पॉल्यूटेंट में दूसरा जो तुम्हारा होगा बी नंबर कह सकते हैं, बी नंबर में आ जाएगा तुमको ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। तो नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है जैसे कि NO है तुमको N2O, ये सब तुमको हो गए NO2, N2O, NO, ये सब तुमको हो गए नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। तो इन सबों के प्रेजेंस से भी क्या होता है, पॉल्यूशन होगा तुम्हारा। तो सेकेंड नंबर में हम लोग देख लेते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन,
दूसरा नंबर बी नंबर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड है इसमें तुमको ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जैसे कि तुमको है ये भी तुमको कहाँ पर होगा, जैसे कि N2 प्लस O2, N2 और O2 तो होता ही है एटमॉस्फेयर में, तो ये तुमको 1483 केल्विन में ये बन जाता है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड इसको कहते हैं हम लोग, NO बन जाएगा, इसको क्या कहते हैं हम लोग नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड कहेंगे, इसको हम लोग कॉमनली नाइट्रिक ऑक्साइड भी कहते हैं या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो ये NO में कन्वर्ट होता है, नेचुरली भी कन्वर्ट हो सकता है। दूसरा नेचुरली के साथ साथ क्या होता है, जहां फॉसिल फ्यूल बर्न करता है तो वहां हीट प्रोड्यूस हो जाता है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर जहां हो जाएगा तो वहां पर इसकी जो है तुमको नेचुरल के अलावा ये तुमको बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल के समय भी ये N2O2 जहां टेम्परेचर हाई होगा तो वहां पर NO बनने की संभावना बढ़ जाती है। तो यहां भी तुमको नेचुरली के साथ साथ ये तुमको फॉसिल फ्यूल के बर्निंग के समय ये क्या होता है, इसका जो क्वांटिटी है बढ़ जाएगा। और ये जो NO है O2 से रिएक्शन करके ये NO2 बना सकता है, और ये NO2 जो है NO चाहे ये NO जो है O3 के प्रेजेंस में भी ये NO2 प्लस O2 ये भी बन सकता है। और ये जो NO2 है वाटर से रिएक्शन करके NO2 प्लस O2 प्लस इससे ये नाइट्रिक एसिड बना सकता है, HNO3 बना लेता है। तो ये सब तुम्हारा इससे रिले हुए केमिकल है, केमिकल रिएक्शंस हैं। तो ये तुमको क्या होता है जो कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये कहाँ से बनते हैं, तो ये सब तुमको जो इसका क्या बताए नेचुरली भी अक्रेंस होगा, नेचुरली मतलब तुम्हारा जो होगा तुमको थंडर स्टॉर्म जो होगा लाइटनिंग, नेचुरल लाइटनिंग से भी हो सकता है ये रिएक्शन स्टार्ट हो जाए, या बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो इसके कारण ये तुमको अभी तो नेचुरली जो हो रहा है तो वो तो खैर न्यूट्रलाइज हो जाता है, लेकिन ये जो फॉसिल फ्यूल बर्निंग जो हम लोग कर रहे हैं तो वहां पर N2 प्लस O2 के जो तुमको NO में बनने की संभावना जो बढ़ जाती है, तो उसके कारण इसका जो क्या है तुमको अमाउंट क्या हो रहा है धीरे धीरे बढ़ रहा है, नेचुरल बैलेंस भी कर रहा है, और इस कारण से हमको जो कि हार्मफुल इफेक्ट जो कि दिखते हैं इसके नाइट्रोजन के हार्मफुल इफेक्ट इसका क्या क्या है, हार्मफुल इफेक्ट क्या है, यह होता है तुमको लंग इरिटेंट होता है, ये लंग इरिटेंट ये लंग में तुम और रेस्पिरेटरी ये डिसऑर्डर क्रिएट करेगा। दूसरा तुमको है ये तुम्हारा दूसरा कह सकते हो लंग इरिटेंट के अलावा रेडनेस ऑफ तुमको इरिटेंट टू आई आई में भी ये इरिटेंट उत्पन्न करेगा, जैसे कि जहां पर तुमको ऑटोमोबाइल वगैरह से निकलता है एग्जॉस्ट वहां पर भी इरिटेंट का ये काम करेगा। तीसरा ये तुम्हारा कह सकता है ये तुमको एक्सेस से तुमको क्या होता है शेडिंग ऑफ ट्विग्स जो फ्लावर इन सबों पर भी ये जो है तुमको ज़्यादा इसका मात्रा नाइट्रेट आयन चले जाते हैं जिसके कारण कि ये तुमको ये भी इफेक्टेड होता है। और भी इसके जैसे इफेक्ट हैं तुमको जैसे कि तुमको नाइट्रोजन का जैसे तुमको ग्लोबल वार्मिंग में भी N2O कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग, नाइट्रस ऑक्साइड N2O को कहते हैं हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये तुमको है तो इसका यही है कि मतलब कि इसको फॉसिल फ्यूल को बर्न से क्या कीजिए रोकिए, तो ये जो तुम्हारा है ये बाकी नेचुरल ये तो एबंडेंस जो है ये सब आपका क्या हो जाएगा ये कंट्रोल में आ जाएगा, नेचुरल एबंडेंस वाला जो है वो तो काउज से, और ये एसिड रेन का भी कारण बनता है, ये एसिड रेन में भी काउंट करेगा, तो ये ऑक्साइड्स ऑफ क्या हो गए नाइट्रोजन के। तीसरा हम लोग लिख सकते हैं एक हो गया पहला ऑक्साइड जो कि गैसेस एयर पोल्यूटेंट में हम लोग पढ़ रहे थे उसमें ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर हो गया, दूसरा हो गया ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तीसरा तुमको जो होगा सी नंबर जिसको कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं तुमको ये कहां से आते हैं, ये तुमको जो है जो अनबर्न्ड
फ्यूएल अनबर्नड फ्यूएल, फ्यूएल कौन हो गया तुमको, फ्यूएल जो कि बेसिकली फ्यूएल दैट इज फ्यूएल कार्बन प्लस हाइड्रोजन कंपाउंड, कार्बन प्लस हाइड्रोजन कंपाउंड फ्यूएल जो होगा, अनबर्नड फ्यूएल जो कि अनबर्नड फ्यूएल इन एटमोस्फेयर। जैसे जब फ्यूएल कर रहे हैं तो अगर तुमको ठीक से बर्न नहीं हुआ फ्यूएल तो वो क्या हो जाता है, एटमोस्फेयर में चले जाते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, इट कॉजेज हाइड्रोकार्बन कॉजेज, हाइड्रोकार्बन कॉजेज कैंसर एंड स्टिफनेस ऑफ ट्विग्स। तो ये तुमको इससे स्टिफनेस होगा, तो ये सब तुमको इसके बैड इफेक्ट होते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया हाइड्रोकार्बन, ये तुमको तीसरा सी हो गया, डी नंबर में आइए, ये तुमको कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ गैस। तो कार्बन मोनोऑक्साइड तुमको जहां तक है, ये तुमको जब कार्बन जब फ्यूएल जलेगा तो सी प्लस ओ टू से क्या होता है तुमको, ये सीओ बनेगा। तो ये जो सीओ बनेगा, ये सीओ क्या करता है, ये होमोग्लोबिन से तुमको कंबाइन करके, ये हम हीमोग्लोबिन जो है तुमको ब्लड में जो होता है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन कंबाइन्स विथ सीओ टू फॉर्म कार्बोक्सी कार्बोनिल हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स, हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा ये। तो अब इससे क्या होता है कॉजेस, इससे क्या होगा कि हीमोग्लोबिन का जो ब्लड कैरिंग कैपेसिटी है ये तुमको बनाएगा, इट कॉजेज जो अगर हीमोग्लोबिन के साथ सीओ जुट जाए तो ऑक्सीजन उससे नहीं जुट पाएगा, इट कॉजेज लैक ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ओ टू इन ब्लड। तो ये तुमको ब्लड जैसे है तुमको हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन का जो कंप्लेक्स बनाता है, तो इससे हर जगह जो है बॉडी के पार्ट में क्या होता है ऑक्सीजन का सप्लाई होता है, लेकिन जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जब ये कंबाइन करे तो ये ज्यादा स्टेबल होता है। ऑक्सीजन से जो हीमोग्लोबिन कंबाइन करे उसके कंपेरिजन में जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो बॉन्ड बनता है हीमोग्लोबिन का वो ज्यादा स्ट्रांग होता है। तो और इस कारण से क्या होगा, जब इसका ज्यादा बॉन्डिंग स्ट्रांग होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये ऑक्सीजन से बॉन्डिंग बनाने के बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड से बॉन्डिंग बनाएगा, और इसके कारण क्या होगा कि ब्लड जो हीमोग्लोबिन जो कि जो सब जगह ब्लड के थ्रू जो सप्लाई होता है जिसमें जिसे ऑक्सीजन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है बॉडी में, तो जाहिर है कि इसकी जो है तुमको ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो जाएगी ब्लड की, कम हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रेजेंस से, इसके जिसके कारण कि तुमको धीरे धीरे तुमको हेडेक होगा, तुमको क्या कहते हैं कुछ भी मतलब उसके सोचने समझने की शक्ति कम हो जाएगी, और फाइनली ये तुमको अगर तुमको बहुत देर तक कार्बन मोनोऑक्साइड के वातावरण में इसको इन्वायरमेंट में अगर आदमी को रखा जाए तो उससे उसकी काउज डेथ भी हो जाती है। जैसे कि घर वगैरह में अगर तुमको जैसे कि जला रहे हैं कोई चीज़ को और पूरा रूम क्लोज होगा तो धीरे धीरे उससे तुमको डेथ भी हो सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड के इन्वायरमेंट में जाएगा तो उसको ऑक्सीजन का ब्लड के ऑक्सीजन नहीं मिलेगा जिसके कारण उसका जो है बॉडी ब्लड का जो है ऑक्सीजन लेवल डाउन हो जाएगा तो वो तुमको उसके डेथ भी हो सकती है। तो ये तुमको जहां तक है ये कहां कहां पर जैसे आते हैं तो ये तुमको फॉसिल फ्यूल के बर्निंग में भी तुमको होगा, तो इसका जो है तुमको जहां तक है दूसरा है कि तुमको अगर सिगरेट वगैरह जो स्मोकिंग करते हैं वहां भी होता है तुमको, ये तुमको कहां पर होता है ये बर्निंग ऑफ फ्यूएल जैसे तुमका है लकड़ी वगैरह भी जला रहे हैं उससे भी होगा, दूसरा है सिगरेट स्मोकिंग में भी तुमको अनबर्न रह जाता है, तो इससे तुमको क्या क्या अगर इसके हार्मफुल इफेक्ट होते हैं, तो एक तो तुमको इसमें क्या होगा तुमको इसमें तुमको होगा हार्मफुल इफेक्ट में आइए हार्मफुल इफेक्ट। तो ये तुम्हारा हो गया पहला हो गया तुमको हेडेक होगा, अगर एयर का मात्रा कम हो जाएगा तुमको तो हेडेक होगा, दूसरा हो सकता है तुमको उससे तुमको इसे सोचने समझने की शक्ति तुमको क्या हो जाएगी कम होगी, हेडेक होगा, दूसरा हो सकता है तुमको
नर्वसनेस कहते हैं इसको, नर्वसनेस, ये तुमको आएगा हेडेक, नर्वसनेस, और तुमको कह सकते हैं इसको तीसरा, ये तुमको एबिलिटी ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी डिक्रीजेस, डिक्रीजेस एबिलिटी टू थिंक, थिंक, और सफोकेशन लगेगा तुमको, जिसके कारण ये तुमको फाइनली कॉजेज इट, इट मे कॉज डेथ, इट मे कॉज डेथ, ये तुमको इसके एनवायरमेंट में रहेंगे तो ये तुमको, तो इसका है दूसरा क्या, तो इसका क्या होना चाहिए, इससे बचने का क्या होगा, सिगरेट इसमें दूसरा कहते हैं हम, ये तुमको जो है अगर प्रेग्नेंट लेडीज में तुमको प्रीमेच्योर बर्थ, प्रीमेच्योर बर्थ ऑफ चाइल्ड, प्रीमेच्योर बर्थ ऑफ चाइल्ड, तो तुमको अगर जो कोई वोमेन अगर तुमको स्मोकिंग करती है तो ये तुमको प्रीमेच्योर बर्थ ऑफ चाइल्ड का भी संभावना रहता है, तो ये तुमको ये सब इसके साइड इफेक्ट हैं। तो इसका क्या मेनली बताया गया कि इसमें तुमको जो है कार्बन मोनोक्साइड जब तुमको रहेगा, जबकि हमारे लंग में पहुंचेगा, तो वह जो है तुमको ब्लड में जो जब मिक्स होता है कार्बन मोनोक्साइड, तो यह ब्लड के ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को घटा देगा, जिसके कारण कि हर जगह जो है तुमको ऑक्सीजन का सप्लाई क्या हो जाएगा बॉडी में कम हो जाएगा, और इस कारण से तुमको डिफरेंट टाइप के जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप मान लेगा। और ये सीओ जो होता है ऑक्सीजन के तुलना में हेमोग्लोबिन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, 200 टू 300 टाइम्स स्टेबल बॉन्ड बना, 300 टाइम्स इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, जो कम जो कार्बन मोनोक्साइड का जो कि हेमोग्लोबिन के साथ जो बॉन्ड बनता है, जो कोई कंपाउंड बनते हैं, तो ये तुमको इसमें तुमको बॉन्डिंग जो है इसका काफी मजबूत होता है, जिसके कारण इसकी ब्लड के जो है ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाने की क्षमता कम हो जाती है, उसकी कैपेसिटी पर इफेक्ट पड़ेगा। अब है तुमको एबीसीडी हो गया तुमको कार्बन मोनोऑक्साइड, अब तुमको पांचवा तुमको आएगा दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, जाहिर है कि जो कि जिसकी सबसे अधिक पॉल्यूशन में चर्चा होती है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो CO2 तो हमारे नेचर में पहले से भी 0.03% इसका है बाय वॉल्यूम, 0.03% बाय वॉल्यूम ऑफ एयर, ये तुमको नेचुरल भी है, तो बात है कि ये नेचुरल भी पाया जाता तो ये तो कोई इतना आवश्यक भी है और इसलिए ये तुमको बैलेंस भी है, लेकिन अभी समस्या ये हो रही है कि फॉसिल फ्यूल जो बर्न होता है, कोई भी हाइड्रोकार्बन अगर जलाए या C+O2 से CO2 बन जाता है, ये फॉसिल, ये कोई भी फ्यूल जलाएंगे तो, या तुमको कोई हाइड्रोकार्बन है CXHY+O2 तो इससे क्या बन जाएगा CO2 बन जाता है प्लस वाटर, तो ये तुमको CO2 का प्रोडक्शन लेवल हर जगह, जैसे कि कोयला आप जला रहे हैं या कोक है, पेट्रोलियम है, सभी के बर्निंग से क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोड्यूस होता है ये फॉसिल फ्यूल वगैरह के बर्निंग से, ये तुमको जो इन्वायरमेंट का जो ये बैलेंस था हमारा 0.03% से, तो इसका जो परसेंटेज है ये इसमें बढ़ते जा रहा है, तो ये परसेंटेज बढ़ रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है बहुत तरह के प्रॉब्लम होते हैं, जो कि तुम्हारा कहते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, ग्रीन हाउस इफेक्ट इसका कहते हैं एक मेन काउज जो कि तुमको इसका है, तुमको ये जैसे कि इसमें तुमको कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से क्या क्या इसका जो है कि मेनली क्या है ग्लोबल वार्मिंग, ये सब जो कंसेप्ट हो तुम्हारा, तो ये तुमको इसका लेवल क्या होता जा रहा है बढ़ते जा रहा है, तो जैसे कि इसका तो खैर काफी चर्चा होते, तो इसमें जैसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जहां कार्बन डाइऑक्साइड जो है तुमको कहां पर ये जो बैलेंस है तुमको कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेते हैं, जो प्लांट है वो तुमको जब डे लाइट में तुमको फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या करते हैं इसको एब्जॉर्व करते हैं, फोटोसिंथेसिस में इसको एब्जॉर्व करते हैं, और जो तुमको है जैसे जो मैन है जो कि ह्यूमन वगैरह है जो एनिमल है वो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है एग्जॉस्ट करता है, और ये तुमको एक प्रकार से बैलेंस नेचर में बना रहता है, लेकिन समस्या मेन आ रही है किसके कारण कि ये तुमको जो फॉसिल फ्यूल को जो बर्निंग है ये तुमको इसके अमाउंट को बढ़ा रहे हैं, तो ये तुमको एक इफेक्ट होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट, देखो एक इफेक्ट समझते कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट करने वाले जो गैस हैं
ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या क्या होता है ये तो हम लोग देखते हैं। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल गैस है CO2 है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एक तो है ही मुख्य गैस, दूसरा तुमको है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। पहले इसका नाम देख लें, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करते हैं। एक ग्रीन हाउस इफेक्ट में एक तीसरा गैस जिसका नाम ले सकते हैं मीथेन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर वेपर, वाटर वेपर, ये तुमको ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट कर उत्पन्न करने वाले गैसेस हैं। अब ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है इसको जब देख से सुनना, बहुत पहले से भी सुनते आया होगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट करने वाले गैस खुद का नाम मैंने लिखा जो मेनली है रिस्पॉन्सिबल कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC जिसको कहते हैं, CF2Cl2 भी इसका फॉर्मूला होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी जिसको कहते हैं हम लोग, ये तुमको हो गए। तीसरा है तुमको बताए दैट इज मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड और तुमको और वाटर वेपर, ये सब तुमको क्या उत्पन्न करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट को जरा समझते हैं ये है क्या इफेक्ट, उसके बाद देखते हैं इससे ग्लोबल वार्मिंग कैसे रिलेटेड है। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है, जैसे कि जहां पर के जो ठंडे प्रदेश हैं, जहां पर ठंड पाई जाती है वहां पर नॉर्मली जो है तुमको जो प्लांट वगैरह है जो अगर उतना कोल्ड एनवायरमेंट में नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए एक टेक्निक अपनाया जाता है जिसमें कि ग्लास से उसको कवर कर देते हैं। ग्लास से कवर करने पे क्या होता है, ग्लास से कवर जब करते हैं तो वह उसकी जो कि जो उसका जो गर्मी होता है अंदर में बना रहता है उसका प्लांट के अंदर, और जिसके कारण कि वह तुमको उस ठंड से क्या हो सकता है बच जाता है। तो जैसे ग्लोबल वार्मिंग ये होता कैसे है, देखो ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या है, जैसे कि अगर तुमको एक ये मान लेते कांच का, जैसे इसको समझे ये अगर कांच से घेर दें इसको, कोई ग्लास है तुमको इसी से हम लोग समझते हैं, तब फिर एटमॉस्फेयर में इसको डील करेंगे। पहले इसको एक कंसेप्ट, ये ग्लास का एक बॉक्स बना दिए, तो इसमें क्या होता है जहां पर अगर सनलाइट है तो सनलाइट इससे क्या हो जाएगा, ये सनलाइट इससे पास कर जाएगी, तुमको इससे क्रॉस कर जाता है, ये अंदर चलाएगा सनलाइट, ये सनलाइट क्या हो गया ये अंदर आ गया, और सनलाइट जब अंदर आया ये तुमको विजिबल रेडिएशन है ये, तो ये ज्यादा, तो ये जब रिफ्लेक्ट ये तुमको क्या होगा, ये सनलाइट है, ये सनलाइट जब अंदर जाएगा तो ये तुमको क्या होगा, तो ये फिर बाद में तुमको ये अंदर एब्जॉर्ब जब हो जाएगा मटेरियल के द्वारा तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन, जब तो दूसरा रेडिएशन ये जो इससे जो क्या है कम पावरफुल रेडिएशन क्या निकलने लगता है, इंफ्रारेड यहां से निकलता है जो कि हीट इफेक्ट उत्पन्न करता है। तो ये जो तुमको है धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने के बाद इंफ्रारेड इमिट करता है, ये कौन सा रेडिएशन अब इमिट करेगा इंफ्रारेड, ये पहले आया विजिबल, ये था तुमको विजिबल रेडिएशन जो कि इसको पेंट्रेट करके ग्लास को पेंट्रेट कर दिया, विजिबल रेडिएशन पेंट्रेट द ग्लास, और ये तुमको इंफ्रारेड, इंफ्रारेड जब बन जाएगा तुमको ये जब इसकी एनर्जी कुछ डाउन हो जाएगी एब्जॉर्ब होने के बाद, जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो इंफ्रारेड बन जाएगा, इंफ्रारेड कैन नॉट एबल टू पेंट्रेट द ग्लास। तो यहां पर समझिए बात क्या हुआ, विजिबल रेडिएशन ऑफ सनलाइट, विजिबल रेडिएशन ऑफ सन कैन पास थ्रू ग्लास बट इंफ्रारेड डजंट पास थ्रू द ग्लास। इसका मतलब क्या हुआ आप जरा इसको देखिए गौर से, इस बात को समझिए, जैसे कि ये जब कि हीट के रूप में आया तो ये तो इससे लाइट अंदर घुस गया, लेकिन ये जो इंफ्रारेड है ये इससे बाहर नहीं निकल पाएगा, तो फलस्वरूप क्या हो? और ये तुमको ये इंफ्रारेड तुमको जो है हीट प्रोड्यूस करेगा, इसके कारण ये जो तुमको जो ये जो बॉक्स है ये गर्म होते चला जाएगा, ये क्या होते चला जाएगा धीरे धीरे हॉट होते चला जाएगा, कारण समझ में आ गया होगा। तो ये जब हॉट होते रहेगा तो ये तुमको एक प्लांट जो जिसको हॉट चाहिए तो वो प्लांट यहां पर अगर तुमको अगर ठंडे प्रदेश में इसको अगर कोल्ड रीजन में अगर दें तो ये तुमको उसका लाइफ बचा हम लोग क्या कर सकते हैं वहां पर वेजिटेशन हम लोग ग्रो कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोग आते हैं इसको इस चीज कंसेप्ट को हम लोग एटमोस्फेयर में जरा देखते हैं क्या हो रहा है। एटमॉस्फेयर में भी कुछ इसी तरह की घटना क्या है, एटमॉस्फेयर भी हमारा कुछ इसी तरह का है, एटमॉस्फेयर में जो कि गैस है जैसे एटमॉस्फेयर में ये एटमॉस्फेयर है हमारा, तो यह भी तुमको अर्थ को ये अर्थ जैसे है तुम्हारा ये अर्थ है और ये
एटमॉस्फेयर है तुम्हारा, एटमॉस्फेयर। तो इसमें भी क्या है, एटमॉस्फेयर से सन जो है तुमको, यहां से सन का लाइट तो आ ही जाएगा, ये सन का लाइट क्या हो, एटमॉस्फेयर में प्रवेश किया, और यहां पर जब अर्थ से आया तो अर्थ से जब ये रिफ्लेक्ट होगा तो ये इंफ्रारेड बन जाएगा, इंफ्रारेड बन जाएगा। तो ये जो तुम्हारा है, इस इंफ्रारेड को अब जो ये सब जो गैसेज हैं, जो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट गए वाले जो गैस हैं, ये तुमको क्या करता है, इसको एब्जॉर्व कर लेगा, इसको ये रेडिएशन को क्या कर लेता है, ये इंफ्रारेड को ये तुमको एब्जॉर्व कर लेगा। इंफ्रारेड को कौन कौन गैस एब्जॉर्व कर लेगा, CO2, CH4, CFC, N2O, वाटर वेपर एब्जॉर्ब इंफ्रारेड, इंफ्रारेड एंड कैन नॉट रिटर्न बैक, और ये रिटर्न बैक क्या नहीं होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब ये निकला निष्कर्ष कि ये तुमको क्या आ जाएगा, इस बॉक्स का जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा था यहां पर ग्रीन हाउस में, तो ये एटमॉस्फेयर का भी टेम्परेचर या अर्थ का टेम्परेचर क्या होता चला जाएगा हमारा, ये तुमको बढ़ता जाएगा, ये तुमको तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजेस ग्लोबल वार्मिंग, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग, ये ग्लोबल वार्मिंग। तो इससे तुमको क्या होगा, हमारा अर्थ क्या हो जाएगा, धीरे धीरे हीट होते, हम लोग का जो जनरली नेचुरल बैलेंस होना चाहिए 75% ऑफ जो कि हम लोग का होना चाहिए, तुमको जो सन से जो रेडिएशन आता है वो तुमको हम लोग यूज करते हैं और बाकी को क्या करते हैं, हम लोग रिफ्लेक्ट कर देते हैं, ये नेचुरल अगर हमारा बैलेंस बना रहना है तो ये हमारा होना चाहिए। लेकिन यहां पर CO2 के प्रेजेंस से, जो CO2 जो सबसे मेन रिस्पॉन्सिबल है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, और मिथेन वगैरह का जो प्रोडक्शन भी जो होता है तुमको, मीथेन भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मीथेन जहां कहां का प्रोडक्शन होता है तुमको, जो पैडी फील्ड जो धान का खेत है वहां होगा, कोल फील्ड में तुमको होगा जहां पर कि तुमको निकलता है, या मीथेन जहां पर कि तुमको जो कि कम सप्लाई ऑफ जैसे तुमको वेजिटेशन वगैरह जो है तुम्हारा, जो कचरा वगैरह जो कि हम लोग खाना पीना का जो सामान जो कि हम लोग का जो अनडिजायरेबल जो कि सीवेज है उसे जो डंप करते हैं, तो उसका जो तुमको उसके जो है रोस्टिंग से जो तुम्हारा जबकि उससे भी मीथेन गैस क्या होगा, कम सप्लाई ऑफ एयर में जबकि ये करता है तो वो मीथेन गैस प्रोड्यूस कर देगा, तो वहां पर भी मीथेन भी इसके लिए एक रिस्पॉन्सिबल गैस है। लेकिन मुख्य जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है वो कार्बन डाइऑक्साइड सबसे अधिक रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह के प्रोडक्शन से क्या रहा? अर्थ पे जो कि रेडिएशन लाइट आ रहा है उसका मैक्सिमम जो जितना पार्ट हम लोग को क्या कर रहे हैं उसको एब्जॉर्ब हम लोग कर लेके रख लेते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे हम लोग का जो है अर्थ जो है धीरे धीरे उसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग का टेम्परेचर अर्थ का बढ़ता जा रहा है। और अब इसका इफेक्ट क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जाहिर है कि अर्थ पे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग कारण क्या होगा, तुमको हीट जो है तुम्हारा बढ़ता जाएगा, अर्थ पे अगर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो गर्मी इसका क्या हो जाएगा, बढ़ते जाता है। अब गर्मी बढ़ेगा तो तुमको क्या होगा, इसका क्या क्या इफेक्ट होगा, ग्लोबल वार्मिंग का क्या क्या इफेक्ट होगा, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्या क्या है तुमको ग्लोबल वार्मिंग का। तो पहला तो हो गया तुमको जो पोल पे जो अब बर्फ है, आइस मेल्टिंग ऑफ आइस ऑफ ग्लेशियर और पोल, ये पोल पर के आइस क्या हो जाएंगे, मेल्ट करेंगे या ग्लेशियर तुमको, तो ग्लेशियर अगर मेल्ट कर जाएगा तो आपका रिवर सूख जाएगा, ग्लेशियर अगर मेल्ट कर गया तो रिवर क्या हो जाएगा तुमको, रिवर समाप्त हो जाएगा। या तुमको दूसरा पोल का जो आइस अगर पिघलता है तो ये तुमको जो है ये जो है तुमको सन सी का लेवल, सी का लेवल राइज हो जाएगा तो क्या होगा तुम्हारा, बहुत से जो कि तुमको जगह है वो तुमको डूब जाएंगे, जो कि बहुत से जगह डूब भी रहे हैं, धीरे धीरे तुमको क्या होते जा रहे हैं, पानी में समाते जा रहे हैं सी में, तो ये तुमको एक तो ये इफेक्ट होगा, जैसे हमारे देश में मुंबई वगैरह भी में भी ये समस्या आएगी, और बहुत से जो कंट्रीज हैं जो कि अभी भी इस समस्या को झेल रहे हैं, जहाँ के सन का लेवल जो कि सी का लेवल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इसमें जो रहने का जो हम लोग का लैंड का एरिया कम होता जाएगा, और इस तरह से एक और दूसरा वाटर स्कार्सिटी भी उत्पन्न करेगा, ग्लेशियर आपके अगर मेल्ट कर जाएंगे तो ग्लेशियर तो रिवर आपका समाप्त हो जाएगा, रिवर समाप्त होगा तो जाहिर है आपको ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम आ जाएगी, तो ये तुमको क्या होगा, तुमको ये फ्लडिंग एंड ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज, ये इसका कॉज क्या होगा, फ्लडिंग हो जाएगा तुमको एंड ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज, ये दोनों तरह से ये क्या करेगा, हमको इफेक्ट करेगा। दूसरा इसका है तुमको इंफेक्शियस डिजीज लाइक डेंगू
मलेरिया ये सब तुमको बढ़ जाएगा, इंक्रीजेस इसके इसके इफेक्ट से ये बढ़ जाएगा। और दूसरा होता है कि ये सब जो है तुमको एक चेन है, जैसे कि टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग होगा, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, उसको तो ठंडा करने के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज करेंगे तो कोल का बर्निंग बढ़ जाएगा, कोल या पेट्रोलियम का बर्निंग जो वहां से आपको प्रोड्यूस होता है वो, तो इसमें लोग एक प्रकार से क्या हो जाएगा कि ये ट्रैप में अब पड़ते जाइएगा। एक एक काउज को ठीक करेंगे, गर्मी को ठीक करेंगे हम लोग, दूसरा यूज करेंगे उससे फिर ग्लोबल होगा। तो जब तक इसका फॉसिल फ्यूल का यूज कम करना, और जहां भी तुमको जहां जो प्रोडक्शन जहां ज्यादा हो रहे हैं उसको क्या करना, कम करना, इसके क्या हो सकते हैं, काउज को ये ठीक कर सकते हैं। इसके अलावा तुमको तो ये हो गया तुमको ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग। अब है तुमको एसिड रेन, एक टॉपिक है एसिड रेन जो तुम्हारा है। एसिड रेन मतलब कि जैसे कि तुमको कुछ गैस है, जैसे कि जो ऑक्साइड ऑफ मतलब नॉन मेटल होते हैं वो एसिडिक होते हैं, ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल जो है तुमको वो एसिडिक होते हैं। तो एसिडिक होते हैं तो जो ऑक्साइड नॉन मेटल के जो ऑक्साइड हैं वो अगर तुमको वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे तो वो एसिड का प्रोडक्शन करते हैं। और अगर जैसे कि ज्यादा मात्रा में तुमको क्या हो रहा है, तुमको रेन वाटर जैसे है तुमको, तो एसिड रेन का मतलब है रेन वाटर जो है तुमको अगर वह गैस से जब इनकाउंटर होगा तो उसका भी क्या हो जाएगा तुमको एसिड 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 बन जाएगा। जैसे देखो एसिड रेन क्या है तुम्हारा, ये भी इसी गैस से ही जुड़ा हुआ है तुमको प्रॉब्लम, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल इज एसिडिक, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल नॉन मेटल इज एसिडिक। जैसे कि यहां पर है हमारा जैसे CO2 है, SO2 हो गया, NO2 हो गया, etc, जिससे हमारा अभी हमारा जिससे मतलब है, तो ये सब एसिडिक होते हैं, ये सब एसिडिक होंगे। एसिडिक होने का मतलब क्या होता है, CO2 अगर रेन है, जैसे रेन होगा तो ये तुमको H2CO3 बना लेगा, ये कार्बोनिक एसिड हो गया तुमको, ये कार्बोनिक एसिड बन गया। तो कार्बोनिक एसिड अब ये क्या करेगा, ये तुमको H2CO3 टूट के क्या बना देगा, ये H प्लस प्लस HCO3 माइनस, तो ये H प्लस प्रोड्यूस करेगा, ये H प्लस इससे प्रोड्यूस हो सकता है, या तुमको फिर जैसे कि SO2 है, SO2 और प्लस क्या होगा तुमको O2 प्लस H2O, इससे क्या बन जाएगा H2SO4 बन जाता है, H2SO4 क्या दे बना देगा, H2SO4 से ये भी टूट करके बना देगा 2H प्लस प्लस H2SO4 टू माइनस, ये तुमको ये भी एसिड हो गया, ये भी तुम्हारा एक H प्लस प्रोड्यूस किया। चाहे HNO2 है देखो तो NO2 भी इसी टाइप का रिएक्शन करेगा, NO2 जोड़ O2 जोड़ H2O, ये भी क्या बना देगा, ये तुमको HNO3 बना लेता है, HNO3 भी टूटेगा तो क्या होगा, ये भी एसिड है तो HNO3 प्लस HNO3 टूट के क्या बना देगा H प्लस प्लस NO3 माइनस, ये भी एसिड बन गया तुमको। तो ये सब जो एसिड बनते हैं ये तुमको जो इस सब के ऑक्साइड है जब रेन वाटर के साथ मिलके क्या बना लेंगे, ये सब रेन वाटर के साथ ये तुमको जब जब रेन होगा तो ये तुमको एसिड प्रोड्यूस होगा। रेन वाटर का अगर तुमको एसिड रेन के लिए पीएच लेस देन 5.6 ये तुमको देन ये हो गया एसिड रेन। पीएच पीएच ऑफ रेन वाटर, रेन वाटर लेस देन 5.6 कॉल्ड एसिड रेन। एसिड रेन इसका पीएच का एच प्लस का आयन का अगर कॉन्सेंट्रेशन पीएच का वैल्यू अगर तुमको 5.6 से क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो इसको हम लोग एसिड रेन कहते हैं। तो ये जो एसिड रेन होगा तुम्हारा, तो एसिड रेन के कारण क्या होगा तुम्हारा, एसिड रेन के कारण तुमको जाहिर है कि अब क्या क्या हानि होती है। एसिड रेन के कारण तुमको एसिड रेन होगा तो तुम्हारा जाए कि ये तुम्हारा जो है जो सल्फर का है तुम्हारा, एसिड रेन के कारण क्या होगा तुम्हारा जो मेटल वगैरह है जिसमें कि हम लोग का क्या होगा मेटल का तुमको मेटल चले जाते हैं हम लोग को इन्वायरमेंट में जो कि जहां पर हम लोग पाइप वगैरह है तुमको वो सब चले जाएंगे जो कि तुम्हारा क्या कहते हैं जो कि हमारा जैसे मछली वगैरह है जितना कि जो एनिमल जो कि रहते हैं नदी वगैरह में उनको हानि होती है। तुमको ज्यादा ज्यादा नाइट्रोजन का डिपोजिशन अगर सॉइल में होने लगेगा तो उसके कारण तुमको नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ेगा तो उसके कारण क्या होगा उसका जो फर्टिलिटी है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है। तो ये सब तुमको एसिड रेन का हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन
हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन. इट इज फैटल टू क्या कहते हैं फैटल टू जो कि है तुमको जो जल जो वाटर में जो रहने वाले एनिमल हैं फैटल टू एनिमल इन वाटर जैसे फिश वगैरह के लिए क्या होगा उसके लिए मुश्किल उत्पन्न करता है. इट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. इट रिड्यूसेस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल की फर्टिलिटी को ये क्या करते रहता है कम करता है. तीसरा नंबर इट डिजॉल्व्स मेटल एंड कॉजेस वाटर पॉल्यूशन. ये तुमको जैसे कि जिस पाइप्स में पानी नहीं जाता है उसमें अगर एसिड रेन आ गया वहां से तो ये जो तुमको उसको मेटल को डिजॉल्व करा के क्या कर लेगा ये पीएच प्लस का लेवल वहां क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा. तो ये से तुम्हारा क्या होगा इसमें ये तुमको एसिड रेन के सब हार्मफुल इफेक्ट्स हैं. तो ये तुमको एसिड रेन के ये रिएक्शंस थे. और तो जाहिर है कि इन सबों के बारे में जो इन सबों को क्या कीजिए इसको एवॉइड करना होगा. जैसे कि हमारा जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन लेवल घटाना होगा सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन सबों का लेवल को आपको क्या करना होगा इन सबों को. और इन सबों के लिए सबसे ज़्यादा जो कारगर इलाज है कि फॉसिल फ्यूल के को क्या कीजिए उसका यूज को कम करना ये हमारा है. और इसके अगले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फीयर का जो पॉल्यूशन है दैट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन इन सबों के बारे में पढ़ेंगे. इसलिए लेक्चर में तुम लोग जैसे कि और एसिड रेन के साथ जैसे कि है तो हमारा ताजमहल जैसे है एसिड रेन के कारण क्या हो रहा है ताजमहल जो तुम्हारा है उसका जो तुमको जो मार्बल है वह एसिड रेन के कारण क्या हो रहा है उसका जो है लस्टर उसका कम हो रहा है. तो उसके कारण ताजमहल का जो है तुमको उसके लिए क्या किया गया उसको जो बनाने का उसको जो सेव करने का प्रोग्राम बनाया गया. तो उससे तुमको जो है उसके एरिया में जो कि जो मथुरा रिफाइनरी है जहाँ से रिफाइनरी से क्या होता है तुमको जो कि ज़्यादातर जो तुमको सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये सब जो तुम्हारा जो लिबरेट हो रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कोल वगैरह जो वहाँ प्रोडक्शन हो रहा है जो तुमका वहाँ पर जो कि फॉसिल फ्यूल वगैरह से बर्निंग से तो उसके उसको क्या करना पड़ा उसको अगर उसकी जो है तुमको धीरे धीरे उसमें जो है एरियाज में तुमको रिफाइनरी को में से जो तुम्हारा उसको जो है सुधारा गया जिससे कि ये जो प्रोडक्शन है धीरे धीरे एसिड रेन वगैरह का वहां पर क्या हो गया उस एरिया में कम हो सका. तो एसिड रेन के ये जो कॉजेज हैं तो ये सब तुम्हारा जैसे ताजमहल को भी हानि कर रहा है जिसके कारण कि और इसका जो है तुमको बेहतर जो है तुमको रिफाइनरी वगैरह में तुमको बेहतर टेक्नोलॉजी के प्रयोग से इसको कम किया जा सकता है. जो मैन है उसको जो है जाहिर है कि जो जनरली जो कि सिंपल जो फ्यूल बर्न करते हैं वुड वगैरह को लकड़ी से खाना बनाना इस सब टेंडेंसी को रोकना होगा. ज़्यादा बेटर है कि आप जो है तुमको एलपीजी गैस ये जो तुम्हारा या सीएनजी गैस तो इन सबों का यूज किया जाए तो इस सब चीज़ से बचा जा सकता है. तो ये तुम्हारा इसके जो है एसिड रेन इन सबों से रिलेटेड थे. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्ट्रेटोस्फीयर पॉल्यूशन जो दैट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन और तुमको पार्टिकुलेट पॉल्यूशन जिसमें कि स्मॉग इन सबों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. तो आप जो भी किसी भी स्टूडेंट को फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ में कोई भी टॉपिक में दिक्कत हो पर्सनली वह जो है राइट विल ऐप को प्ले स्टोर डाउनलोड कर हमसे पर्सनली भी टाइम ले सकता है. और जो भी उससे प्रॉब्लम है जिस भी टॉपिक पर डिस्कस करना हो जिस भी पढ़ाई करना चाहता तो उसके लिए हमसे संपर्क कर सकते हो. और किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हो जेई मेंस एडवांस नीट या तुमको इंजीनियरिंग मेडिकल बोर्ड के लिए तो उसके लिए तुम अपना जो है तुमको ज़्यादा बेहतर से बेहतर अपनी पढ़ाई में जहाँ भी प्रॉब्लम हो उसको दूर कर सकते हो. इस लेक्चर को समाप्त करना है.